खालसे अपनी परास्त बख्शिश की, उत्थे खालसे नू जाहो जलाओल महल्ले दे रूप दे विच वी बख्शिश कीता। ते विसाखी नू आम हर एक सिख दी चाहना हुंदी आ ते मैं ताकत केसगढ़ साहब ते जाके अमृत पान करा। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले साल ये मुहिम आरंभी सी, सिंह सजो अमृत छको, उहदा बहुत वड्डा रिस्पोंस मिलिया सी। ते इस बार क्योंकि बंदी सिंघां दा ये भी एक कौमी मुद्दा आ, तो दस्तकती मुहिम शुरू की गई। हुण असीं बैठ के फैसला किया कि विसाखी तो बाद जिहड़ी धर्म प्रचार की लहर आ इहनूं पूरे जोश और खरोश के नाल मुड़ जिद्दां पहलां असीं रखिया सी उहीं हर एक हलके दे विच एक एक दो दो तीन तीन अमृत संचार नाल कीर्तन दरबार होणगे। ते इत्थों इस धरती तो चावला साहब ने कुछ छेती कर ली, छेती नहीं कर ले पे, ऑबजैक्ट भी यो इन्हों ने अज इतों ये जोड़ा खालसा मार्च ऑबजैक्ट यदा भी अमृत छको सिंह सजो का ही आ, सो वो जी शुरुआत की। मैं इन्हों बधाई भी दिना, तो खालसे पंथ में भी तो समुचिया संगतान भी बेनती करदा कि गुरु साहब की कृपा से बख्शिश के पात्र बनीए। ये जिहड़ा खालसे का जन्म दिहाड़ा आ रहा, वध तो वध लाहा रहीए, पंजां पासों खंडे की पौल लैके ये लोग ते परलोक जिहड़े आ ये सहेले करिए। सो सारी संगत नू बेनती आ कि इस मार्च के विच भावें ये छोटा बड़ा मार्च नहीं पर खालसा ही विरासत दे विच अकाली फूला सिंह जी सिंह साहब जिन्हों का आपां पिछे 200 साल शहीदी दिहाड़ा मना के हटे, इस तरह पंथ के महान जरनैल जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जिन्हों का 300 साल वो जन्म दिहाड़ा आ रहा, जिन्होंने दिल्ली नू कई बारी एक बारी नहीं बहुत बारी फतेह किया, भी शुरुआत हो जानी है। वो शुरुआत असं हम दिल्ली तो कर रहे हैं, उत्थे दो तीन दिन के लगातार समागम होंगे, फिर तो फतेह मार्च खालसे जाहो जलाल के नालों भी लगभग 25 तरीक नूं आके पंजाब दे विच उहदी समाप्ति होगी, तो 5 मई नूं वड्डा जिहड़ा दिहाड़ा मनाया जाऊगा। सो अज जिहड़ी आ शुरुआत इहने कीती आ चावला साहब ने, यह मैं समझदा हर एक हलके दे विच जिदा कह लईदा वी हुण मौके की मंग आ, समें की मंग आ कि वध तों वध अमृत संचार। अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो साडे मानयोग प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी उन्हां वल्लों तख्त श्री केसगढ़ साहब तो अमृत छको सिंह सजो लहर दे मुख रख के जो इस इलाके अंदर श्री आनंदपुर साहब के इलाके अंदर मार्च शुरू किया गया उसकी उन्हां वल्लों रंभता की गई है। ये मार्च जो पिंड पिंड जाएगा तो हर पिंड दे विच ये होका दिता जाएगा कि अमृत छको सिंह सजो, क्योंकि सानू इस चीज़ का माण है कि खालसा पंथ का ये तख्त केसगढ़ साहब वो महान तख्त है जिथे सतगुरां ने खालसा पंथ की साजना की सी। सानू सारयां नू घटो घट इस इलाके वालयां नू ये दुनिया में एक सुनेहा देना चाहिए, क्योंकि हर सिख नू चाहे कितने भी कोई वसदा उस आनंदपुर का वासी बनाया, तो वासी ता ही बनेगा जे गुरु गोबिंद सिंह नू अपना पिता ते वाह साहिब कुरां नू अपना अपनी माँ समझेगा। तो इस वास्ते अज इस मकसद को लैके असी पिंड पिंड का यह प्रोग्राम लिखा जो 13 तरीक तक चलेगा, 14 तरीक विसाखी वाले दिन फिर वड्डे पद्धर से अमृत संचार किया जाएगा।